एक रिसर्च से पता चला कि किसी भी इंसान की सक्सेस 15% उसके काम पर और 85% उसके सोशल स्किल पर डिपेंड करता है। मान लो आप एक दुकानदार हो, अगर आपके पास दुकान से रिलेटेड हर एक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से जानकारी है और आपके दुकान में बहुत सारे सामान भी हैं, तो उस पर आपका सक्सेस केवल 15% डिपेंड करता है, जबकि 85% आपके कम्युनिकेशन यानी सोशल स्किल पर डिपेंड करता है कि आप लोगों से बात कैसे करते हो। अमेरिका में एक सर्वे हुआ, यह सर्वे 2 सालों तक चला कि लोग पढ़ना क्या चाहते हैं। जब सर्वे कंप्लीट हुआ तो यह पता चला कि सबसे ज़्यादा लोग हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ना चाहते थे और दूसरे नंबर पर उनका इंटरेस्ट लोग थे, वे लोगों के बारे में पढ़ना चाहते थे कि लोगों से बात कैसे करें, लोगों से दोस्ती कैसे करें। सर्वे करने वाले लोगों ने इस टॉपिक पर बुक खोजना स्टार्ट किया, पर उस समय ऐसी कोई बुक नहीं लिखी गई थी। तब मिस्टर डेल कार्नेगी ने अपनी ऑसम बुक हाउ टू विन फ्रेंड एंड इन्फ्लुएंस पीपल को लोगों के सामने इंट्रोड्यूस किया। आज हम बात करने वाले हैं इसी ऑसम बुक से कुछ प्रिंसिपल्स के बारे में जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी, जैसे 75 सालों से लोगों को सिखा रही है। तो चलिए लोगों से बात करना सीखते हैं। पहला, किसी की आलोचना बुराई मत करो। सच तो ये है, हमें लोगों की बुराई करने में बहुत मज़ा आता है, पर सोचो जब कोई आपकी बुराई करता है तब क्या आपको अच्छा लगता है? नहीं ना। चाहे इंसान सही हो या गलत, किसी भी इंसान को खुद में कमी नहीं दिखती। जितने भी चोर डाकू लोग जेल में बंद होते हैं, वे ये नहीं मानते कि उन्होंने गलती की है, वे अक्सर लॉजिक देते हैं कि वे कैसे गलत नहीं हैं। आलोचना इंसान को डिफेंसिव बना देता है, वह खुद को सही ठहराने की कोशिश करने लगता है। इंसान कितना भी गलत क्यों ना हो, उसे अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। जब मम्मी लोग अपने बच्चों के लिए दूसरों के घर से लड़ाई करती हैं, तो वे हमेशा बोलती हैं कि हमारा लड़का तो कब्बो गलतियाँ नहीं कराला, सब तोरे लड़का के गलती बा। और दूसरे की मम्मी भी ऐसे ही बोलती हैं कि सब तोरे लड़का के गलती बा, हमारे स्टील जैसा लड़का कब्बो केहू के लड़का से झगड़ा नहीं कराला। आप यहाँ पर देख सकते हो कि लोग खुद को गलत नहीं मानते, उनको अपने अंदर कोई गलती नज़र नहीं आती। यह इंसान का नेचर होता है। अपनी गलती के अलावा इंसान को दुनिया भर के सभी लोगों की गलतियाँ नज़र आती हैं। अगर आप उन्हें यह महसूस भी करा देते हो कि वह गलत हैं, फिर भी वह अपनी गलती नहीं मानते, क्योंकि तब उनका अभिमान उन्हें गलती मानने नहीं देता है। अगर आपको लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने हैं, तो कभी उनकी बुराई मत करो, क्योंकि 99.99% लोग आपकी उस बात से गुस्सा होंगे, क्योंकि किसी को भी अपनी बुराई बर्दाश्त नहीं होती है। इसी आलोचना के कारण लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, और डिप्रेशन में जाने के बाद क्या होता है वे सभी को पता है। तो आप देख सकते हो आलोचना कितनी खतरनाक होती है। तो प्लीज़ किसी की भी आलोचना मत करो। जैसे आपको अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती, वैसे किसी को भी अपनी बुराई अच्छी नहीं लगती है। और अगर आप ऐसा करते हो तो आप दोस्त नहीं दुश्मन बनाते हो। दूसरा, लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कराना। इस धरती पर पैदा हुआ हर एक इंसान खुद को इम्पॉर्टेंट समझता है, चाहे वह अमीर हो या गरीब। इंसान को क्या चाहिए? अच्छा हेल्थ, अच्छी नींद, पैसा, हैप्पी फैमिली, लिपस्टिक न लगाने वाली बीबी। पर इसके अलावा इंसान की सबसे बड़ी चाह होती है खुद को दूसरों के सामने इम्पॉर्टेंट फील कराना। हम इंसान तारीफ के भूखे होते हैं। जैसे हमें पैसों की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें तारीफ की भी ज़रूरत होती है। मान लो यहाँ एक ग्रुप है, यहाँ पर किसी के लिए कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता है और किसी दूसरे के लिए कोई दूसरा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, पर एक्चुअल में इस ग्रुप में मौजूद हर एक इंसान खुद को बहुत इंपॉर्टेंट समझता है। क्या होगा अगर हम लोगों को इंपॉर्टेंट फील कराएं, उनकी तारीफ करें? तो जाहिर सी बात है लोग हमें पसंद करेंगे। और हाँ, तारीफ ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी के सर पे बाल नहीं है और आप बोलो वाह भाई क्या हेयर स्टाइल है यार। एक रिसर्च से यह पता चला है कि जिस इंसान को उसके अच्छे कामों के लिए तारीफ की जाती है, वह अपने कामों को बहुत ही अच्छे से करता है, और जिस इंसान को उसके खराब काम की वजह से डांटा जाता है, वह धीरे धीरे अपने कामों को खराब कर लेता है। और आपने यह चीज़ स्कूल में भी देखा होगा कि जो टीचर आपको नहीं मारता, आप उसकी रिस्पेक्ट करते हो, आप उसके सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार करते हो, क्योंकि आपको उनके सामने खुद को इम्पॉर्टेंट दिखाना होता है। और वहीं दूसरा टीचर आपके पछवाड़े को लाल करता है, आपकी हमेशा पढ़ाई को लेकर बेइज्जती करता है, तो आप हमेशा उन्हें गाली देते हो। और ये सच्चाई है, क्योंकि टीचर आपको मार पीट कर रटा सकता है, पर कभी समझदार नहीं बना सकता। अगर आप इस धरती पर किसी से कोई काम करवाना चाहते हो, तो उसका बस एक ही तरीका है, वह है उस इंसान में उस काम को करने की इच्छा को जगाना। हाँ, आप उसके सिर पर बंदूक रखवा कर काम करवा सकते हो, उसे मारपीट कर काम करवा सकते हो, कंपनी से निकालने की धमकी देकर काम करवा सकते हो, पर यह तरीका सही है? नहीं ना। इसका रिजल्ट आपके लिए खराब भी हो सकता है। एक पायलट जो एयर शो में प्रदर्शन दिखाते थे, उनके एयरक्राफ्ट की दोनों इंजन 300 फीट की ऊंचाई पर काम करना बंद कर दिया। किसी तरह उन्होंने उस एयरक्राफ्ट को ज़मीन पर लैंड कराया। एयरक्राफ्ट पूरी तरह बर्बाद हो गया था, पर किसी की भी जान नहीं गई थी।
जब पायलट ने इंजन को चेक किया तो उसे पता चला कि उसमें दूसरा फ्यूल भरा गया था। जब पायलट एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग करने वाले मैकेनिक के पास गया तो देखा कि मैकेनिक की आंखों में आंसू भरे थे, क्योंकि उसकी वजह से बहुत महंगा एयरक्राफ्ट बर्बाद हो गया था। पायलट ने उसके पास जाकर उसको दो झापड़ लगाया। जी बिल्कुल नहीं, उस पायलट ने मैकेनिक को अपने गले लगा लिया और बोला, कल तुम मेरे F-51 एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग करोगे, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूँ कि तुम अब ऐसी कभी गलती नहीं करोगे। आप यहाँ पर देख सकते हो कि पायलट ने मैकेनिक की बुराई नहीं की, उसको अपना दूसरा एयरक्राफ्ट सर्विसिंग में देकर उसको इम्पोर्टेंट फील कराया। क्योंकि जब आप किसी के गलती करने के बावजूद उस पर भरोसा दिखाते हो, उसकी तारीफ करते हो, तो वह इंसान अपनी पूरी एनर्जी के साथ आपके लिए काम करता है। घर से भाग जाने वाली औरतों पर जब रिसर्च हुआ तो यह पता चला कि उनके हस्बैंड उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, उन लोगों की तारीफ नहीं करते। जैसा कि आपको पता है, हर इंसान खुद को इम्पोर्टेंट समझता है, और अगर आप उसके उस बेसिक ज़रूरत को पूरा नहीं करोगे तो क्या होगा। वैसे भी लोगों को अपनी बीवियों के अलावा दुनिया की सारी बीवियाँ अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लोगों की सच्ची तारीफ करो, क्योंकि जो काम आप लोगों की तारीफ करके करवा सकते हो, वो काम कभी आप किसी को मारपीट करके या बुराई करके नहीं करवा सकते। तीसरा, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करो। अगर आपको मछली पकड़नी है तो मछली पकड़ने वाले हुक में आप क्या लगाते हो? जाहिर सी बात है, आप उसमें कीड़े लगाते हो। मान लो आपको चॉकलेट पसंद है तो आप उसमें चॉकलेट क्यों नहीं लगाते? क्योंकि आपको पता है कि मछलियों को चॉकलेट नहीं पसंद होता। अगर मैं हुक में चॉकलेट लगाऊंगा तो मछली भाग जाएगी। लोगों के साथ फ्रेंडशिप करने में हमें इसी कॉमन सेंस का यूज करना चाहिए। जब हम किसी से मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, तो हम बस अपने बारे में बात करने लगते हैं कि मैं ऐसा मैं वैसा, जबकि सामने वाले इंसान को फ़र्क नहीं पड़ता कि आपका इंटरेस्ट क्या है। उसे बस अपने इंटरेस्ट की चीज़ों के बारे में पता होता है, बस उसे उसी से फ़र्क पड़ता है। अगर हम लोगों को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, उनसे फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, तो हमें उनके इंटरेस्ट के बारे में बात करनी चाहिए। जैसे जब कोई छोटा सा बच्चा आपके पास नहीं आता है तो आप उसे पैसा दिखाते हो, तब वह तुरंत आपके पास चला आता है। वह बच्चा आपके पास क्यों आता है? क्योंकि आपने उसको उसके इंटरेस्ट की चीज़ दिखाई। एक बच्चा हमेशा बिस्तर पर सूसू कर देता था। उसकी दादी बहुत ही परेशान हो गई थी। उसने बच्चे से बोला, आज तुमने फिर से सूसू कर दिया? तो बच्चा बोलता है, नहीं दादी, मैंने सूसू नहीं किया, आपने सूसू किया है। बच्चे की इस आदत से उसके पेरेंट्स बहुत ही परेशान थे। वे लोग बच्चे को मारते थे, पीटते थे, डराते थे, पर बच्चे पर फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स ने केवल अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचा कि वह बच्चा बिस्तर पर सूसू ना करे। जबकि बच्चे का इंटरेस्ट क्या था उसके बारे में तो किसी ने पूछा ही नहीं। जब बच्चे से पूछा गया तो उसने बताया कि वो अपने पापा की तरह पैजामा पहनकर सोना चाहता था और अपना अलग बिस्तर चाहता था। उसके पेरेंट्स उससे बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए एक अलग बिस्तर लगा दिया, उसे पैजामा भी पहना दिया। जब बच्चे के पापा ने पूछा कि तुम अब भी सुसु करोगे, तो उसने बोला, नहीं, ये मेरा बिस्तर है, मैं इसे गंदा नहीं करूँगा, और बच्चे ने बिस्तर पर सुसु करना बंद कर दिया। वैसे बिस्तर पर सुसु करने में बहुत मज़ा आता है, आपने किया है कभी? वैसे अब ट्राई करता हूँ पर निकलता नहीं है। तो प्लीज़ लोगों की बुराई मत करो, लोगों की तारीफ करो, लोगों के इंटरेस्ट के बारे में बात करो, लोगों को इम्पोर्टेंट फील कराओ। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू।